तो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूँ फिलहाल आज आप सभी की इस वीडियो में। तो लेटेस्ट समय में दोस्तों, जहाँ नई वंदे भारत ट्रेनों के नए नए रूट और आयाम स्थापित किए जा रहे, वहीं कुछ ट्रेनों के विस्तार की मांगें जस की तस अभी भी पड़ी हुई है। विस्तार तो छोड़िए साहब, इस रूट पर लंबी दूरी की गाड़ियों की जो वैकेंसी है ना, अभी तक निकली नहीं है। जी हाँ, मैं उदयपुर अहमदाबाद के सेक्शन की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर लंबी दूरी की गाड़ियाँ मतलब मुंबई जैसी गाड़ियों के सेक्शन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आने वाले जो समय है ना दोस्तों, यह रूट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि उधर NWR के सेक्शन की तरफ से दोहरीकरण को लेकर सर्वे करवाया जा रहा है और दूसरी तरफ दोस्तों, यहाँ पर वेस्टर्न रेलवे भी सर्वे के मामले में पीछे नहीं है, उनके द्वारा भी सर्वे करवाया जा रहा है। मतलब एक चीज़ तो क्लियर है कि आने वाले समय में इस पूरे सेक्शन पर डबल लाइन हो जाएगी और डबलिंग होने के बाद में साथ साथ दोस्तों इसका इलेक्ट्रिफिकेशन भी करवा लिया जाएगा। बता दें कि वैसे सिंगल लाइन का जो इलेक्ट्रिफिकेशन है दोस्तों, मार्च 2024 तक इसकी डेडलाइन है, बट उसके समय से पहले ही यहाँ पर कार्य पूरा हो सकता है। मैंने कम्युनिटी लेवल में हाल ही में जो कि मेरे एक सोर्सेस के द्वारा मुझे प्राप्त हुआ था दोस्तों, जिसकी जानकारी मैंने आपको डाला था कि यहाँ पर दोस्तों हिम्मत नगर में भी कार्य की शुरुआत हो चुकी है इलेक्ट्रिफिकेशन के दूसरी ओर। मैंने आपको यह भी बताया था कि हिम्मत नगर से प्रांतीय की ओर कार्य शुरू हो चुका है, इसके अलावा असरवा का इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा हो चुका है। अब आप यह कह सकते हैं कि यह पूरा सेक्शन जो इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, दोनों सेक्शन की तरफ से अपने अपने कार्य लगभग पूरे किए जाने को लेकर यहाँ पर कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जा रहा है। अब यह तो हो गया इलेक्ट्रिफिकेशन की बात, और लंबी दूरी की गाड़ियों की बात करो तो हाल ही में दोस्तों अहमदाबाद की कुछ ऐसी गाड़ियां थी जिनका विस्तार करवा दिया गया राजकोट तक के सेक्शन के लिए, और जिसमें से कुछ बड़े नाम भी थे, जिसमें तो दोस्तों पटना की गाड़ी थी, पटना के अलावा कानपुर, प्रयागराज, उसके अलावा हजरत निजामुद्दीन, नागपुर, उसके अलावा कुछ और भी ट्रेनें जो है यहाँ पर लगभग 6 ट्रेनों का विस्तार करवाया गया जो है यहाँ पर राजकोट तक के सेक्शन के लिए। हालांकि इसमें भावनगर के लोगों को भी काफ़ी नाराज़गी थी, क्योंकि भावनगर के सेक्शन को भी ट्रेनें नहीं दी गई, और साथ ही में मेरी बात यह भी थी कि जो बोटाड से लेकर साबरमती वाला सेक्शन था, आपने उसको वैसे सिंगल छोड़ दिया है भाई ने, आप इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहे हैं, न लंबी दूरी की गाड़ियाँ चला रहे, तो जो हाल पहले था वही हाल अभी भी है। बस फ़ायदा यह है कि आप उस तरफ से एक तरफ से बोटाड जा सकते हैं और दूसरी तरफ से जो है आप लोग जा सकते हैं यहाँ पर साबरमती वाले सेक्शन पर, क्योंकि बीच का सेक्शन पर ना इलेक्ट्रिफिकेशन है ना लंबी दूरी की गाड़ी। अगर आपको लंबी दूरी की गाड़ियाँ पकड़नी है तो आपको उन स्टेशनों पर जाकर फिर गाड़ी को चेंज करके जो है अपना यात्रा को करनी पड़ेगी। तो उनका भी हाल कुछ यही है कि उनको सुरेंद्रगढ़ की तरफ से लेकर जाया गया है। हालाँकि इसको अगर इस रूट से लेकर जाया जाता है ना, तो निश्चित रूप से इसकी जो कमी है, जो दूरी है साबरमती बोटाड सेक्शन की, पूरी हो गई होती इन ट्रेनों के माध्यम से। फिलहाल रेलवे अपने बारे में ज़रूर सोचता है कि उसको कहा जाता जो है फ़ायदा मिलेगा। फिलहाल मेरा सजेशन यह था कि इसमें से कम एक दो ट्रेनें जो है बोटाड साबरमती वाले सेक्शन पर भी लेके जाना चाहिए था। इसके अलावा जो उदयपुर अहमदाबाद वाला सेक्शन है, जिसमें से बड़ी मांग आ रही थी कि प्रेरणा एक्सप्रेस का विस्तार करवा लिया जाएगा उदयपुर तक के लिए, बट इसका हुआ नहीं। यह ट्राई वीकली ट्रेन है, हफ्ते में 3 दिन चलाई जाती है, और इसका विस्तार करवा दिया गया भाई राजकोट तक के सेक्शन के लिए, जिसका ऑफिशियल लेटर हाल ही में जारी हो गया है और मैंने इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको वीडियो के माध्यम से बता दिया था। उसके अलावा अगर मैं उदयपुर के सेक्शन की बात करूँ तो कुछ ट्रेनों के विस्तार क्यों करवाए जाएंगे और कितना ज़्यादा पॉसिबल है इसकी बात भी कर लेता हूँ। देखिए भाई, अभी तक ये मांग हो रही थी कि ये इन ट्रेनों को हिम्मत नगर तक ही करवा लिया जाएगा, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे की ट्रेनें हैं, वेस्टर्न रेलवे में आकर ख़त्म होती है, और वेस्टर्न रेलवे चाहे तो इनको हिम्मत नगर तक के सेक्शन में डीजल इंजन के माध्यम से चला सकता है, कोई प्रॉब्लम अभी नहीं होने वाली है। मगर तकलीफ यही है कि अब दोस्तों इन ट्रेनों का विस्तार जो है ना कि हिम्मत नगर बल्कि अगर उदयपुर तक करवाया जाए तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि अभी तो कुछ ट्रेनें अभी भी वहाँ पर लंबे स्टॉपेज लेती है, जिसका नाम है दोस्तों लोक शक्ति, गुजरात मेल समेत कुछ और भी ट्रेनें हैं, और इनका विस्तार क्या होगा ये भी आपको बताता हूँ कि लगातार एक साथ दोस्तों 6 ट्रेनों का विस्तार का ऑफिशियल लेटर निकालना ये मेरी समझ से परे था, क्योंकि हाल ही में कुछ रीजन्स यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि रीडेवलपमेंट का कार्य करवाया जा रहा है, जिसकी वजह से एंड इसको राजकोट तक के लिए जो है यहाँ पर एक्सटेंशन दे दिया गया। और फिर आप लोग कहेंगे कि उदयपुर तक के लिए क्यों नहीं मिला, कि इसका भी बड़ा रीज़न यह है कि दोस्तों इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ नहीं है, उनको लोको रिवर्सल करवाना पड़ेगा, और राजकोट तक का सेक्शन एंड टू एंड पूरे रूट में यहाँ पर इलेक्ट्रीफाई हो चुका है, तो लोको रिवर्सल का झंझट जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। लेकिन आने वाले समय में यहाँ पर कुछ और भी ट्रेनें हैं, क्योंकि अहमदाबाद के रीडेवलपमेंट का कार्य प्रगति पर है, और ऐसे में 2-3 ट्रेनें उदयपुर को दी जा सकती है। फिलहाल आप लोग क्या सजेशन है आप लोग कमेंट कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। जय हिंद, बाय बाय एवरीबॉडी।